नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। कुंभ मेले के मद्देनजर हरिद्वार के जिले में किसी भी नगरीय क्षेत्र में कोई भी सॉल्टर हाउस ऑपरेट नहीं हो सकेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ नियम के तहत एक्शन लिया जा सकता है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। हरिद्वार में कुंभ मेला के आयोजन के बीच उत्तराखंड शासन ने जिले को स्लॉटर हाउस मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। बुधवार को जारी एक आदेश में नगर विकास सचिव शैलेश बगोली ने सभी नगरीय क्षेत्र में स्लॉटर हाउस चलाने के लिए दिए गए 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए आदेश के बाद हरिद्वार समेत जिले के किसी भी नगरीय क्षेत्र में कोई भी स्लॉटर हाउस ऑपरेट नहीं हो सकेगा। अगर कोई व्यक्ति जानवर या गोश्त बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियम के तहत एक्शन लिया जाएगा। हरिद्वार जिले की कुल जनसंख्या 18.9 लाख है। इसमें से करीब 36% यानी 6.70 लाख अल्पसंख्यक आबादी है। जिले की कई पॉकेट्स में अल्पसंख्यक मतदाता खासा प्रभाव रखते हैं। दुओं की आस्था का प्रतीक कुंभ मेले की बुधवार को पहली पेशवाई पंचायती निरंजनी अखाड़े ने निकाली। पेशवाई निरंजनी अखाड़े की SMJNPG कॉलेज स्थित छावनी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पूजा करने के बाद शुरू हुई। इस मौके पर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी महाराज, श्रीमंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, सचिव रविंद्र पुरी महाराज, सचिन राम रतन गिरी महाराज समेत सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पेशवाई अखाड़े के लिए विशेष महत्व रखती है। पेशवाई में अखाड़ा अपना धन बल, जन बल और समृद्धि आदि का प्रदर्शन करता है। पेशवाई हरिद्वार के SMJNPG कॉलेज की छावनी से चलकर शहर भर का भ्रमण करते हुए शंकर आश्रम होते हुए कनखल हरिद्वार शिव मूर्ति चौक, लालता राव पुल, गुजरावाला भवन होते हुए निरंजनी अखाड़े में शाम को पहुंची। इसको लेकर मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।